एक्सरसाइज 13.3 आज स्टार्ट हो रही है। 13.1 और 13.2 खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर एक देखो, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसमें आपको ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। 4.2 सेंटीमीटर का एक मेटालिक स्फीयर है जो कि मेल्ट किया जा रहा है। मेल्ट करके बाद उसी से आपको सिलेंडर बनाया जा रहा है और जिसका जो है आपको रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको जो है बताना है कि सिलेंडर की हाइट कितनी है। इसका मतलब इसी मेटालिक स्फीयर से आपको सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो जो है आपको दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, यानी कि रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर गिवन आपको क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर कितना है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। तो दोनों को मालूम कर देना है आपको। तो आप देखिए स्फीयर का मालूम कितना होता है आपको, 4.3 पाई आर वन क्यूब इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर एच। आर वन आप कंसीडर कर लो, इसकी रेडियस है आपको स्फीयर की और टू आपको सिलेंडर की। यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा आपको, तो यहाँ पर आपको आ गया 4/3। आर वन कितना है 4.2 का क्यूब, आर टू कितना हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर इंटू एच आ गया। और तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 और यहाँ पर 3 × 6 का स्क्वायर 6 × 6 आ गया। 6 से काट देंगे यहाँ 0.7 आ गया और इसे काट देंगे तो यहाँ भी 0.7 आ गया। यहाँ काट देंगे यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। इस पर हल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना हमारे पास 2.74 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सिलेंडर बन रहा है ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्ट टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तीन छोटे छोटे स्फीयर आपको हैं जिसके रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, 8 सेंटीमीटर का रेडियस है और 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। हाई स्फीयर है, आपको तीन मेटालिक स्फीयर हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस का, 8 सेंटीमीटर का, 10। तीनों मेल्ट किए जा रहे हैं और एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जा रहा है, इसी की रेडियस आपको निकालना है। तो तीनों मेल्ट करके स्क्वायर बनेगा, यानी कि तीनों को आप मेल्ट करके तीनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा और वो वॉल्यूम एडिशन वाला इस बड़े स्फीयर के मेटालिक स्फीयर के बराबर होगा। तो तीनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे और इसके ये इक्वल कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर टू क्यूब प्लस 4/3 पाई आर थ्री क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। तो 4/3 पाई दोनों तरफ से कट जाएंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, आर वन क्यूब प्लस आर टू क्यूब प्लस आर थ्री क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब के। तो ये कैपिटल आर क्यूब कैसे निकाल देंगे हम लोग, आर वन कितना है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब
ये कितना हो जाएगा 216, ये कितना हो जाएगा 812, 512 कितना हो जाएगा 512, ये कितना हो जाएगा 1000, 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1728। अब इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, आज पलटू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि बल्ब जो मेटालिक स्फीयर बन रहा है उसकी रेडियस आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ए 20 मीटर डीप बेल, एक 20 मीटर गहरा जो है, एक कुआँ है 20 मीटर गहरा है, विथ डायमीटर 7 मीटर, उसका डायमीटर कितना है 7 मीटर है, इज डक एंड द अर्थ फार्म डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फार्म ए प्लेटफार्म 22 मीटर एंड बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफार्म। इसके सलूशन में आपको क्या देखना है, इसमें आपको एक 20 मीटर गहरा कुआँ है, 20 मीटर गहरा कुआँ है, इसकी मिट्टी निकाली गई है, इसकी मिट्टी निकाली गई है, इस मिट्टी से आपको एक प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, एक प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, ये चीज़ एक प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, ये प्लेटफार्म। और इसकी गहराई कितनी है आपको यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर गहरा है, और इसकी डायमीटर है कितना 7 मीटर, डायमीटर है आपका यहाँ से यहाँ तक है 20 मीटर गहरा है, पूरी अर्थ निकाली जा रही है, अर्थ से आपको एक प्लेटफार्म बनाना है, प्लेटफार्म ब्रथ है, चौड़ाई है 14 मीटर चौड़ा है, 22 मीटर लंबा है, आपको इसकी हाइट बतानी, इस प्लेटफार्म कितना ऊँचा बनेगा, इस मिट्टी से कितना ऊँचा जो है, कितनी हाइट का प्लेटफार्म बनेगा, और ये मेजरमेंट है आपको 22 मीटर और 14 मीटर। तो इस अर्थ का जो आपको सिलेंड्रिकल कुआँ कैसे होता है, सिलेंड्रिकल होता है फार्म में, इसका आप बालू निकाल लीजिए, और ये प्लेटफार्म किस टाइप का होगा, क्यूबाइड का, यानी कि सिलेंडर का बालू इज इक्वल टू आपको सिल जो है क्यूबाइड का बालू करना है, इसका पाई आर एस यहाँ निकालो, बालू बालू ऑफ जो है बालूम ऑफ द अर्थ, बालूम ऑफ द अर्थ डग आउट इक्वल टू हो जाएगा बालूम ऑफ अर्थ ऑफ प्लेटफार्म, प्लेटफार्म यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच, आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको 22/7 रख दो, आर की वैल्यू आपको कितना है 7 मीटर है, 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच आपको 20 मीटर हो गया, एल आपको 22 मीटर हो गया, ब्रेथ आपको 14 मीटर हो गया, एच आपको निकालना है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 22 × 7 × 7 कर दो × 20 अपन ये 7 हो जाएगा, × 2 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4 और 5 आ गया है, और ये 7 × 2 = 14 हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा 5/2 = कितना आ गया 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर 2.5 मीटर प्लेटफार्म ऊंचा होगा, 2.5 मीटर प्लेटफार्म ऊंचा होगा, जिसमें आपको क्या करना है, एक बेल है, बेल की गहराई आपको दी गई है 20 मीटर, 7 मीटर डायमीटर है इसका, इसका बालूम निकाल लीजिए, बेल आपका सिलेंड्रिकल फार्म का होता है, पूरी मिट्टी का बालूम निकाल लीजिए, उससे आपको प्लेटफार्म बना, प्लेटफार्म क्यूबाइड टाइप होता है, जिसका बालूम यर इंटू बी इंटू यस से आता है, तो दोनों अर्थ का वालूम इक्वल कर दीजिए और यश का मान आ जाएगा इस ढंग से, और प्लेटफार्म की हाइट आ गई 25 मीटर, यही पर आपको आंसर हो गया।